वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूएस एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे सीटेट के जो एडमिट कार्ड है वो अपलोड कर दिए गए हैं, और इसी के बारे में मैंने एक आज ही एक वीडियो अपलोड किया हुआ था कि जो सीटेट के साइट पर अभी तक एडमिट कार्ड अपलोड नहीं किए गए हैं तो स्टूडेंट को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज देर रात तक जो सीटेट.nic.in के साइट पर CBSE ने क्या कर दिया है, एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि इस पब्लिक नोटिस, एक पब्लिक नोटिस भी जारी किया, पब्लिक नोटिस में क्या लिखा है। इन सबसे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए क्या लिखा है ये हम देख लेते हैं। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल बी कंडक्टिंग द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट इन कंप्यूटर बेस्ड मोड ऑनलाइन ड्यूरिंग 16 December 2021 to 13 January 2022 at different cities throughout the country. The admit card of candidate who have paid the fees, जिनके फीस जो है पैड हुए रजिस्ट्रेशन करने से नहीं, का क्या होना चाहिए, उनका फीस जो है पैड होना चाहिए, एंड अलॉटेड एग्जामिनेशन डेट्स ड्यूरिंग 16 to 31 December, जिनके जो एग्जाम है वो कब से कब तक, 16 से 31 December तक है, उनके जो एडमिट कार्ड है वो क्या कर दिए गए हैं, अपलोड कर दिए गए हैं। आप उनके ऑफिशियल साइट, जिसके बारे में मैंने कल भी दिखाया था आपको, CTET.NIC.in पर आप क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और अपने जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक और लिखा हुआ है, देखें आगे, द एडमिट कार्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन ड्यूरिंग, कि आपकी जैसे एग्जामिनेशन डेट जो है सबके अलॉट कर दिए गए हैं, और यहाँ पे लिखा गया कि जिनके 16 to 31 है ना दिसंबर में, तो उनके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिए गए हैं। लेकिन बात करें हम जिनके जो एग्जाम्स हैं वो कब से कब, 1 January से 13 January तक है, तो 13 January 2021 तक है, तो उनके जो एडमिट कार्ड है वो कुछ टाइम लगेंगे वो एडमिट कार्ड अपलोड होने में। यहाँ पे ड्यू कोर्स ऑफ टाइम लिखा है, द एडमिट कार्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड इन टू फेसेस। ये जो एडमिट कार्ड होंगे वो टू फेज में, दो फेज में अपलोड होंगे। फर्स्ट फेज जो रहेगा उसमें क्या लिखा रहेगा, यहाँ पे बताया गया है कि द फर्स्ट फेज ऑफ एडमिट कार्ड्स विल कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ सिटी एंड डेट्स। वहां पे आपको क्या क्या लिखा रहेगा, सिटी एंड डेट आपको लिखे रहेंगे, आपके एग्जामिनेशन सिटी और एग्जामिनेशन डेट, ठीक है। टू एनेबल द कैंडिडेट्स टू मेक प्लान अकॉर्डिंगली, सेकेंड फेज ऑफ एडमिट कार्ड विल इंफॉर्मेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर एंड शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट सेकेंड डेज बिफोर द एग्जामिनेशन। मतलब क्या कहा गया है कि फर्स्ट फेज जो रहेगा, फर्स्ट फेज आपको अभी शो करने लगेगा कौन क्या क्या रहेगा, उसमें एग्जाम सिटी रहेगा और एग्जाम डेट रहेगा। जैसे ये पूरे हम रेलवे का जो एग्जाम देते हैं, NTPC वगैरह का जो एग्जाम देते हैं, सेम उसी तरीके से है। और यहाँ पे कहा गया है कि आपके एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट्स आपको पता चल जाएंगे, तो आप अपना एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 days before the एग्जामिनेशन, आपके जो एग्जाम है उसके 2 दिन पहले आप क्या कर सकते हैं, अपने एडमिट कार्ड। आप कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड ऑफ फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज फ्रॉम वो वेबसाइट, जो वेबसाइट दिया है वहां से आप क्या कर सकते हैं, अपने फर्स्ट एंड सेकेंड फेज के जो क्या एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया कुछ, द रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सिटी, एग्जामिनेशन सेंटर एंड डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन विल नॉट बी एंटरटेन्ड। आप क्या नहीं कर सकते यहाँ पे, अपना जो एग्जामिनेशन सिटी है, एग्जामिनेशन सेंटर है और एग्जामिनेशन डेट के लिए आप क्या नहीं कर सकते, आप रिक्वेस्ट करेंगे फिर भी ये जो चीजें हैं वो चेंज नहीं किया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, द सीटेट यूनिट हैज रिजेक्टेड इमेज ऑफ फोटो एंड सिग्नेचर ऑफ सम कैंडिडेट्स विच वर नॉट इन प्रॉपर फॉर्मेट, सच कैंडिडेट्स वर इन्फॉर्म्ड बाई सेंडिंग मैसेज ऑन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर टू अपलोड द करेक्ट इमेज अगेन, बट सम ऑफ द कैंडिडेट्स हैव स्टिल नॉट अपलोडेड देयर करेक्ट इमेज, सो देयर एडमिट कार्ड्स आर नॉट इशूड। इसमें ये कहा गया है कि किसी किसी जो स्टूडेंट है ना, कुछ स्टूडेंट के जो फोटोस है, जो इमेज है, वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होने के कारण से उनको क्या किया गया, या तो उसके रजिस्टर मोबाइल नंबर से क्या किया गया है, मैसेज किया गया है कि वो अपना जो जो फोटोस है वो प्रॉपर फॉर्मेट में है ना, वो क्या करे, उसको अपलोड करे, और जो स्टूडेंट कर पाए थे उनके एडमिट कार्ड क्या किए गए हैं,
अपलोड किए गए हैं, और जो ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट में अपना इमेज जो है अपलोड नहीं किए हैं, तो उन लोगों का जो है एडमिट कार्ड इशू नहीं किया गया है। दिस कैंडिडेट हैव टू अपलोड देयर करेक्ट इमेज इमिडिएटली आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ इमेज। देयर एडमिट का ई एडमिट कार्ड्स विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट इन केस एनी एप्लीकेंट इज नॉट एबल टू डाउनलोड हिज हर ई एडमिट कार्ड ही सी मेक कॉन्टेक्ट सीट एट यूनिट CBSE ऑन। यहाँ पे एक नंबर शो किया गया है, अगर आपने क्या यहाँ पे कहा गया है कि आप ई एडमिट कार्ड विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट इन केस कोई जो स्टूडेंट है, कोई एप्लीकेंट है ना, वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो सीटेट यूनिट जो है वहां पे कॉल कर सकते हैं ना। नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, आप क्या कर सकते हैं, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके लिए भी टाइमिंग दिया हुआ है कि 9 AM टू आप 5:30 PM तक आप क्या कर सकते हैं, वर्किंग डेज में आप कॉल कर सकते हैं। द कैंडिडेट में नोट दैट नो ई एडमिट कार्ड विल बी सेंड टू देम बाई पोस्ट। ये आपको क्या नहीं किया जाएगा, कैंडिडेट को किसी को क्या नहीं किया जाएगा, ई एडमिट कार्ड जो है आपको कहीं से बाय पोस्ट आपको क्या नहीं किया जाएगा, सेंड नहीं किया जाएगा डायरेक्टर सीटेट। तो ये हो गया आपके जो पब्लिक नोटिस के बारे में। आप एडमिट कार्ड आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। चलिए आप यहाँ पे आप टाइप कर लीजिएगा CTET.NIC.IN। NIC.IN यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, टाइप कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आपको जहाँ पे आपका एडमिट कार्ड क्या होगा डाउनलोड होगा वहीं पे आपको लेके आ जा रहा है मेन पेज पर। यहाँ पे लिखा है डाउनलोड प्री एडमिट कार्ड CTET December 2021 Link 1 एंड डाउनलोड प्री एडमिट कार्ड। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्री एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और ये डाउनलोड करके हम देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर डालना होगा, उसके बाद आप सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद क्या लिख के आ जाएगा, वहां पे आपके एग्जामिनेशन डेट और एग्जामिनेशन सिटीज लिख के आएंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, फिर से जब आपका आपका जो एग्जाम रहेगा Before 2 days, आपके एग्जाम के 2 दिन पहले क्या कर सकते हैं, आपके जो जो Phase 2 के जो एडमिट कार्ड है वो क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। Phase 2 के एडमिट कार्ड में क्या पता चलेगा, आपको एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट तो पता चल गए हैं, अब वहां पे आपके जो एग्जाम सेंटर है वहां पे एग्जाम सेंटर का जो नाम है वो शो करने लगेगा, एग्जाम टाइमिंग, आपके एग्जाम शिफ्ट जो है वो शो करने लगेगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपने एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट कर बताइएगा, और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।